brought to you by Higher. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे जाते हैं तो बड़ा मासूम सा जवाब देते हैं कि सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी ने ये इनपुट दिया है। इसके बाद अपने प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए कनाडाई मीडिया खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाती है। आर्टिकल छपने के 2 दिनों के बाद कनाडा सरकार की नींद खुलती है। फिर एक सरकारी बयान जारी किया जाता है कि भैया हम अलग हैं, मीडिया आर्टिकल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर भारत के नाम पर कनाडा के अधिकारी आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। 19 नवंबर को कनाडा के एक मीडिया संस्थान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए एक खबर छापी थी। भारत ने कनाडा की इस हरकत का खुलकर विरोध किया था। भारत के सख्त रवैये के बाद 21 तारीख को कनाडा सरकार ने मीडिया रिपोर्ट की बात को बेबुनियाद बता दिया। 19, 20 और 21 तारीख इन 3 दिनों में बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम इस मामले में सामने आया। कनाडा सरकार ने अपने ही देश के मीडिया को क्यों झूठा बता दिया, इसके लिए 19 तारीख वाले आर्टिकल को समझना होगा। तो इस वीडियो में जानेंगे कनाडाई मीडिया ने पीएम मोदी को लेकर क्या छापा था, भारत की क्या प्रतिक्रिया थी, कनाडा सरकार ने क्या सफाई दी। 19 नवंबर को कनाडाई मीडिया द ग्लोब एंड मेल ने भारत को लेकर एक खबर छापी। हेडलाइन रखी, कनाडाज सिक्योरिटी एजेंसी सस्पेक्ट मोदी न्यू ऑफ अ प्लॉट टू किल सिख एक्टिविस्ट। यानी कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि मोदी को सिख एक्टिविस्ट की मौत की पूरी प्लानिंग की जानकारी थी। कनाडा के सीनियर अधिकारी के हवाले से आगे लिखा गया, कनाडाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने जांच में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की प्लानिंग में गृह मंत्री अमित शाह का नाम पाया है। पीएम मोदी के भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम भी हैं। हालांकि कनाडा के पास इस बात के पुख्ता सबूत तो नहीं है कि मोदी को हत्या की जानकारी थी, लेकिन इस बात का यकीन करवाना भी मुश्किल है कि पीएम मोदी से चर्चा किए बिना इन 3 वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों ने टारगेट किलिंग का प्लान क्या होगा। इस मीडिया रिपोर्ट का सार बस इतना सा है कि कनाडा के पास पुख्ता सबूत किसी बात का नहीं है, लेकिन संदेह और इनपुट के अनुसार हम किसी पर भी कुछ भी आरोप लगाएंगे। इस आर्टिकल के बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 20 अक्टूबर को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कनाडाई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को हास्यास्पद बताया। रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा, हम आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हालांकि कनाडाई सरकार के एक सूत्र के तरफ से कथित तौर पर अखबार को दिए गए ऐसे हास्यास्पद बयानों को उसी अवमानना के साथ खारिज किया जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इस तरह से बदनाम करने वाले कैंपेन हमारे तनावपूर्ण संबंधों को और नुकसान पहुंचाते हैं। भारत की सख्त टिप्पणी के बाद कनाडा सरकार की नींद खुली। 2 दिनों पहले जो रायता उनकी मीडिया फैला चुकी थी, उसे 21 नवंबर को साफ करने की कोशिश की गई। लिखा गया, कनाडा सरकार ने कनाडा के भीतर होने वाले आपराधिक गतिविधियों पर ना तो प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री जयशंकर या NSA डोभाल का नाम लिया है और ना ही उसे ऐसे सबूतों की जानकारी है। हमारे बयान के अलावा दिए जा रहे दूसरे बयान काल्पनिक और गलत हैं। अब वो केस भी समझ लेते हैं जिसमें भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 18 जून 2023 को खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खालिस्तान समर्थक और प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत को इसका जिम्मेदार मानते हैं, हालांकि उनके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। निज्जर के नाम पर कनाडा में भारतीयों और हिंदू मंदिरों को खूब टारगेट किया जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात पर कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कनाडा की इन हरकतों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते अब तक के सबसे खराब मोड़ पर हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।